अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. इफ एच वन एच टू एच थ्री डॉट डॉट एच एन आर एन एच एम्स बिटवीन ए एंड बी देन एच वन प्लस ए अपॉन एच वन माइनस ए प्लस एच एन प्लस बी अपॉन एच एन माइनस बी इक्वल्स. देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके पास ए है और ये बी है और इनके बीच में आपने एन एच एम्स को लिया है एच वन एच टू एच थ्री डॉट 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 एच एन और ये सब किसमें है आर इन एच पी. अब देखो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए यहीं से, लेकिन उसके लिए आपको एच एन के फॉर्मूला पता होना चाहिए, एच एन के फॉर्मूले उन्हें पता होना चाहिए. उसके बाद फिर आप इसमें रखोगे और पूरी कैलकुलेशन होगी, तब कहीं जाके फिर इनमें से कोई ऑप्शन आएगा और हम इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगे. उसके लिए सीधी ट्रिक्स पर जाओ. आप यहां पर बोला है एन एच एम्स को आपको ए और बी के बीच में रखना है और मैं एन को टू बोल रहा हूं. तो देखिए लेट एन इक्वल टू टू, तो हमें क्या मिलेगा ए एच वन एच टू और क्या कर दो बी आर इन एच पी. देखिएगा अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो एन एच एम्स हैं, आप उनको टू क्यों बोल रहे हो. भाई आप थ्री बोल लो, लेकिन थ्री जब आप बोलोगे तो उस टाइम आपको कितने डिजिट चाहिएंगे, पांच, और वो आपके पास है नहीं. और आपको पता क्या है कि थ्री टर्म्स हो तो टू थ्री सिक्स किसमें होंगे एचपी में, और सिक्स एट ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर भी किसमें होंगे एचपी में होंगे. उसके बाद देखिए आप एन का आपके पास फिक्स वैल्यू तो है नहीं, आप एन को फाइव बोल लो, एन को टेन बोल लो, एन को फिफ्टीन बोलो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट्स हमने एटमोस्ट कितने टर्म्स तक पढ़ा है एचपी को, फोर टर्म्स तक पढ़ा है. तो हमें फोर टर्म्स करने के लिए आपने एच और एच टू रखा और ये दो टर्म तो आपको अपने में अपने से ही मिल गई, क्योंकि कहा है ना बिटवीन ए एंड बी, तो ये दो तो आपको अपने से लगानी पड़ेगी. और मैंने जो एच वन एच टू अज्यूम किया है ये इस ट्रिक को ही फॉलो किया है मैंने, सिक्स एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आर इन एच पी, ये वाली ट्रिक्स को यूज किया है मैंने. अब देखो a इक्वल टू क्या होगा सिक्स, एच वन इक्वल टू क्या होगा एट, एच टू इक्वल टू क्या होगा ट्वेल्व और b इक्वल टू क्या होगा ट्वेंटी फोर. आपने इनको लिखा है, उसके बाद आप सीधा इधर आइए और क्वेश्चन ने बोला है एच वन प्लस ए अपॉन एच वन माइनस ए प्लस. अब देखो आपने r इक्वल टू टू पुट लेके चले हो, अज्यूम करके चले हो, तो यहां पे क्या होगा एच टू प्लस बी अपॉन एच टू माइनस बी. देखो अपना जो एन एच एम्स था इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एन इक्वल टू टू ले लिया, जिससे इस क्वेश्चन की लेंथ कम से कम नहीं तो दो से तीन मिनट आपके इस क्वेश्चन में बच जाएंगे जैसे ही आपने इस ट्रिक्स को इस्तेमाल किया है. और वैल्यू ऑफ एच वन क्या है एट प्लस ए का वैल्यू क्या है सिक्स अपॉन एट माइनस सिक्स. Just you will put here the values of H1 and A. Now we put another values of H2. H2 equal to 12 or B 24 upon 12 minus 24. अब दोबारा से ध्यान दो. A equal to 6. पहला पहले के equal. दूसरा दूसरे के equal. तीसरा तीसरे के equal. और fourth वाला fourth के equal. तो H1, A, H2, B की values को हमने यहाँ पे put किया है. उसके बाद आप देखो 6 प्लस 8 का 14 अपॉन में 2 प्लस ये क्या हो गया 36 अपॉन में माइनस 12 और ये क्या आ गया बोलो 2 7 14 और ये हो गया माइनस 3 और यहां से आपको क्या मिला 4. अब हमने देखा ऑप्शन में तो 4 किसी में भी नहीं है. अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए देखो ऑप्शन ए एन, आप एन को क्या लेके चले थे 2, एन का वैल्यू 2 रखो, हमारा क्या आ रहा है 4, ऑप्शन गलत. उसके बाद 2n, 2 इंटू 2 क्या आया 4, यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा फाइनल आंसर है. और सी ऑप्शन देखो n माइनस 1 वो होगा 2 माइनस 1 और ये मिला 1, तो ये भी हमारा गलत हुआ. इसका मतलब केवल और केवल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो क्या आएगा, आंसर होगा तो ऑप्शन बी ही होगा. इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है.